सब्र का बांध टूटा जा रहा है, हम लोग से इतना इंतजार कराया जा रहा है कि अब आगे के रास्ते भी लगते हैं कि बंद ही ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे खासकर जो सीयूटी पीसी का एग्जाम दिए थे, पहले तो इनका एग्जाम चुनाव की वजह से या जो भी कारण रहा हो मिड ऑफ सेमेस्टर में कराया गया, उनके पूरे सिलेबस यूनिवर्सिटी वाले कंप्लीट भी नहीं हुए थे और उनके जबरदस्ती एग्जाम ले लिए गए। शायद बच्चों के माइंड में ये बात आने लगी कि हमारा एडमिशन टाइम से हो जाएगा और स्थिति ये बन चुकी है कि आपने मेरा एग्जाम इतना पहले लिया, हमारे रिजल्ट समय से आ गए, लेकिन काउंसलिंग की कहानी वही हमेशा की तरह फिर से खिचड़ी। हाँ भाई अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अब राउंड्स आ जाएंगे, अब मिनट में मेरा नाम आ जाएगा, और अंत में ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे बच्चे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके हाथ कुछ ना लगे। तो यूं है कुछ हमारे देश का ये शिक्षा का दौर। हमारे यहाँ शिक्षा की जो एक परिस्थिति बन चुकी है, इनका एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर चल रहा है जहां पे कोई सुनवाई नहीं है और एनटीए इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजा बन बैठा है और सरकारें उस पे चुप हैं, मीडिया एकदम चुप है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि शायद जो मैं आपको दिखाने वाला हूं और जो आपको बताने वाला हूं वो बाकी YouTube चैनल पे देखने को भी मिल जाए, लेकिन वो कितना सत्य है, क्या वो इस बात को समझ पा रहे हैं या बस वीडियो बनाने में ही उम्मीद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार BHO और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के लिए जो वीडियो मैं बनाता हूँ उस पर काफी एनालिसिस करके बनाता हूँ। अभी मेरे पीछे स्लाइड पे ये जो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट की खास बात ये है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी, आप बहुत अच्छा नॉलेज रखने के बाद भी इसको समझ पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहेंगे और कहीं ना कहीं इसको समझ पाने में एक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। ये काफी कठिन प्रोसेस है इसको समझा पाना और समझना। मैं इसको बताने और इस वीडियो पे पूरी एनालिसिस एक वीडियो लाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा समय लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग इसको बनाए हैं, इसको बनाने वाली जो कमेटी है, CAC जो कमेटी है, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं उनसे ये कांटेक्ट करके पूरा कंफर्म करूं इसके हर एक एलिमेंट्स को। खैर रात में मैंने काफी अच्छे से समझने की कोशिश करी, इसको समझ में भी आया, एक दो फ्लॉज कहीं ना कहीं, एक दो लूप ऐसे हैं जहां पे मुझे कंफ्यूजन है, डाउट है। मैं चाहता हूं कि एक बार CAC से बात करके इस बात का कंफर्मेशन कर लो कि हाँ ये डाउट्स मेरे भी हैं, ये सॉर्ट आउट कर दो आप, जिससे कि मैं बच्चों के बीच में अगर वीडियो ले जाता हूं, अगर 20,000 से 30,000, 25,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उनका बेनिफिट हो जाए, वो कोई गड़बड़ी ना करें। इसीलिए बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी छोटी सी गलती से पता नहीं कितने लोग का लॉस हो जाए, पता नहीं कितने एडमिशन बेकार हो जाए, पता नहीं कितने बच्चों के सपने टूट जाए, तो जल्दबाजी नहीं करूंगा। सो प्लीज मेरे कमिंग वीडियोस जो इस पे आएगा, इसके एक्सप्लेनेशन पे आएगा, वो आप जरूर देखना। वट एवर आप कहीं देख भी लो ना तो भी आप नीट सर के वीडियो जरूर देखना, उन वीडियो को देखने के बाद भी देखना, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनली BHO PG का जो सेकेंड राउंड डेट है वो क्या होने वाला है। ये डेट होने वाला है 24 तारीख 24th of June, यानी वाले दो दिनों में 24 तारीख को फाइनली BHO PG का सेकेंड राउंड कट ऑफ आने की उम्मीद नजर आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज DO का आ रहा है। ऐसे केसेस में मेरे यहां खुद ऐसे बच्चों की इंक्वायरीज पड़ी है जो BHO में पेमेंट कर चुके हैं लेकिन वो DO जा रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों से जो DO में जाना चाहते हैं और उनका नाम फर्स्ट राउंड कट ऑफ में आएगा तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही आता है आप शीघ्रता के साथ एक समय को ध्यान रखते हुए, अपने पोर्टल की स्पीड को देखते हुए, आप अपना एडमिशन अगर BHO से विड्रॉल करना चाहते हो और DO में जाना चाहते हो तो ये प्रोसेस आप लोग जरूर 24 के पहले कर लीजिएगा या 24 के दोपहर तक आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि BHO जब अपना सेकेंड राउंड दे तो वो भी कहीं ना कहीं अपग्रेड और जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद निकाले। खैर ये चार्ट में अब कितना अपग्रेडेशन की बात की गई है, इस चार्ट में पेमेंट के आगे क्या मेथड्स हैं, किन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट जाने वाला है, ये तमाम बातें जो है वो मेरे कमिंग वीडियोज में ही एक्सप्लेन हो पाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी से बस एक निवेदन वीडियो है
अपडेट वीडियो इस तरीके से हो जाता है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो मेरे इस वीडियो को देखना पड़ेगा, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना पड़ेगा कि जब ये वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ये वीडियो जो आने वाला है उन बच्चों को भी देखना है जिनका एडमिशन हो चुका है, उन बच्चों को भी देखना है जिन्होंने GDPI दी है, उन बच्चों को भी देखना है जिनको अभी तक कोई कोर्स नहीं मिला है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज इस वीडियो के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके पास एक चैनल है BHU पाठशाला जो आप मुझे देख पा रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले और सटीक में ये ध्यान जरूर दिया जाता है कि बच्चों तक जो बात पहुंचाई जा रही है वो एकदम सत्य होना चाहिए, 1% की भी गड़बड़ी मैं नहीं चाहता। यही कारण है कि मैं आपको ये वीडियो थोड़ा समय के साथ दूंगा, शाम तक दूंगा। अभी आप लोग इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि सर ने फाइनली BHU PG का एक डेट दे दिया है और वह 24 तारीख। बाकी ये डेट में बदलाव होगा तो मैं आपको आके अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो बना के बता दूंगा कि देखो डेट बदल दी गई है, लेकिन अभी के लिए 24 तारीख आपके लिए कॉन्शियस डेट है, एक सटीक डेट है जो अपने माइंड में आप रख सकते हो। मुस्कुराते रहो, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है आपको, ये आपके भले की बात है। मैं चाहता हूं आपके सब्सक्राइब चैनल में एक ऐसा चैनल जरूर होना चाहिए जहां पे बातें बहुत अच्छी हो, जहां पे आपके जो पूरे समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए और वो जो इंफॉर्मेशन देते हो सबसे पहले हो, सटीक हो, सत्य हो। मुस्कुराते रहिए।